दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT के चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण मिति, दैट मीन्स त्री मतलब तीन, कोण मिति मतलब स्टडी, दैट मीन्स त्रिकोण यानी ट्राइंगल और मिति में स्टडी। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, स्टडी ऑफ इसकी त्रिकोण यानी ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा मीनिंग हुआ यहाँ पे स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में क्या है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स। जो ग्रीक वर्ड्स हैं तीन है उनसे लिया, उनसे बना है ये ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला वर्ड ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, फिर ट्राई के बाद गोन, गोन मीन्स एंगल्स, एंड गोन्स के बाद ट्राई गोन, और उसका मेट्री है ना इसको बोलते हैं मैट्रन। मैट्रन मीन्स मेजर, मेजर करना मतलब उसको मापना या फिर स्टडी करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया, ट्राइंगल यानी ट्राइंगल और मापना मतलब उसको स्टडी करना। तो दस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्राइंगल को स्टडी करना, और मेजरमेंट का मतलब मापना। अब हम मापेंगे क्या, इस केस में इन फैक्ट इट इज स्टडी बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की जो एंगल्स की है और जो साइड्स का जो रिलेशन है उसकी स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में, किसी भी ट्रायंगल के। और क्योंकि आपकी क्लास 10th है तो यहाँ पे हम जो मोस्टली डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हम प्लस वन पे छोड़ देते हैं। तो सीधा आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब रेशोज का मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यानी जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स की बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी इन साइड्स की जितनी भी रेशो आएंगी यानी इन साइड यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की जितनी भी आप रेशो निकाल सकते हो उतनी निकाल लीजिए, और जितनी पॉसिबल रेशो निकलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्योंकि ये रेशो कहाँ से आई है, ट्रायंगल से। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ये एंगल बी आपका 90 का है, तो जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है आपका हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब इसके अलावा अब बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल का बेस क्या है, आप डायरेक्टली आंसर दोगे बीसी। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी आपसे गलती हो जाती है, यहाँ पे हम बीसी को बेस नहीं कह सकते या एबी को हम परपेंडिकुलर नहीं कह सकते। जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो आपके यहाँ पे एंगल्स पे डिपेंड करेगा। इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे बेस और बेस के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एंगल फिक्स करेंगे। अब ना ये तो 90 है, 90 के सामने वाला ये तो बेचारा हाइपोटेन्यूज है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 के सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे बेस हम बीसी नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जिस साइड के ऊपर जो बाकी दो एंगल्स हैं ए और सी, यही है ना, 90 के रिलेशन तो हाइपोटेन्यूज के साथ है,
तो वो तो हो गया एसी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसी इज हाइपोटेन्यूज। अब बाकी जो साइड्स है ए बी और बी सी, अब इसमें ध्यान रखिए जिस साइड के ऊपर एंगल बनता है एक्यूट वाला वो साइड तो होती है बेस, और उस साइड के जो सामने वाली, उस एंगल के जो सामने वाली साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। यानी अगर आप एंगल सी लेते हैं तो बी सी आपका बेस है और ए बी आपका परपेंडिकुलर है। अब लेकिन BC एंगल, अब यहाँ पे एंगल तो हम ए भी ले सकते थे, तो लेकिन इसके लिए हम इसको कंप्लीट लिखेंगे। BC बेस तो है लेकिन कौन से एंगल का है? ऑफ एंगल C, यानी जो एंगल C का बेस है BC, और AB क्या है? परपेंडिकुलर है किसका? एंगल C का। हम इसको कंप्लीट करके लिखेंगे BC इज बेस ऑफ एंगल C, क्योंकि जिस साइड के ऊपर एंगल बनेगा वो बेस बनेगी, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर ऑफ एंगल सी, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब अगर बाय चांस हमारे पास सी एंगल ना होता, ए एंगल होता, तो जो ए एंगल है वो कौन सी साइड पे है? देखो साइड तो ए सी भी है, लेकिन ए सी तो हमारा हाइपोटेनस में क्लियर हो चुका है, इसको तो हम तंग नहीं करेंगे। बाकी दो साइड में से ए एंगल कौन सी साइड के ऊपर है? AB के ऊपर। तो जिस साइड के ऊपर एंगल है वो बेस बनेगी, यहाँ पे AB क्या बनेगा? बेस बनेगा कौन से एंगल का? ऑफ एंगल A, और A के सामने वाली साइड क्या है? BC। तो जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। BC इज परपेंडिकुलर ऑफ एंगल A। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको 50-60% ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलने से पहले पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। जिस साइड के ऊपर एंगल बनता है वो साइड बेस बोलेंगे, और उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? बी सी इस बेस नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे बी सी इस बेस ऑफ एंगल सी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर ऑफ एंगल सी। इसी टाइप से बी सी एंगल सी का तो बेस है, लेकिन ये एंगल ए का क्या है? परपेंडिकुलर। बी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑफ एंगल ए, और इसी टाइप से अगर ए बी है वो सी का परपेंडिकुलर है, लेकिन ए एंगल का क्या है? ये बेस। ए बी इज बेस ऑफ एंगल ए। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पे। तो उससे पहले आपको ये एंगल्स और उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्लियर करना जरूरी था। चलिए, हालांकि इसके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, इससे पहले आपको लेक्चर तैयार किया जा चुका है ट्रायंगल्स का, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप थोड़ा डिटेल से देख सकते हैं इसको। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, बी एंगल है आपका 90 का, तो जो 90 के सामने वाली साइड है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। यहां पे हम ये लिखेंगे ए सी इज हाइपोटेनस
अब इन दोनों में से हम एक एंगल को मेजर कर लेते हैं, या ए को मान सकते हैं या सी को, सिर्फ एक एंगल लेंगे ए और सी में से। हम एंगल सी को ले लेते हैं, इसके लिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, हमने एक सिंबल के तौर पर यूज किया इसको थीटा। तो अब यहाँ पे बेस कौन सा होगा इस एंगल का, BC। हम ये क्या लिखेंगे, BC इज बेस ऑफ एंगल C लिख सकते हैं, या फिर सिंपली थीटा लिख सकते हैं। AB इज परपेंडिकुलर ऑफ एंगल C, या फिर थीटा। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल को आप चाहे उलट पलट के देखेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें हमारे पास तीन ही चीजें हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। इन तीनों की हमने वर्ड क्या सुना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। रेशो किसकी थी, वो साइड्स की। इन साइड्स की जितनी आप रेशो निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, जो जो आपके मन में आता है वो निकालिए। P अपॉन H, दूसरा B की बेस की हाइपोटेनस के साथ, परपेंडिकुलर की बेस के साथ। इसके बाद इसका अपोजिट H by P, H by B एंड बी बाय पी। तीन पॉइंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 6 रेशो निकाल सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा जो भी आप पॉइंट लोगे वो इन्हीं में से कोई एक आएगा, इससे ज्यादा हम इसकी रेशो नहीं निकाल सकते। तो मैथमेटिक्स वालों ने बच्चों क्या किया, इसके रिगार्डिंग आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए उन्होंने बार बार ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखने की बजाय उन्होंने इनके नाम देने शुरू कर दिए। जैसे ये क्या है, रेशो किसकी, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दैट इज पी बाय एच इज कॉल्ड साइन। इसका नाम क्या दिया इन्होंने, साइन। इसी टाइप से द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, सॉरी द रेशो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस दैट इज बी बाय एच, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कोसाइन। तीसरे वाले द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस That is P by B, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, tangent। पूरी बड़ी लिख लीजिए, पॉलीनोमियल के शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। इसी टाइप से H by P, hypotenuse by perpendicular, इसको नाम दिया गया cosecant। Hypotenuse और base की जो रेशो है इसको नाम दिया गया secant। बेस और परपेंडिकुलर की रेशो इसको नाम दिया गया टेंजेंट। इस टाइप से फुल फ्लैश उसमें लिख लीजिए, पी बाय एच क्या होता है, साइन। पी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस इसका नाम क्या है, कोसाइन। परपेंडिकुलर बाय बेस इसका नाम क्या है, टेंजेंट। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इसका नाम कोसिकेंट। हाइपोटेनस बाय बेस सिकेंट, बेस बाय परपेंडिकुलर कोटेंजेंट। अब ये रेशो कब आई है, जब आपने ये एंगल थीटा लिया, जब आपने एंगल क्या लिया, थीटा। तो यहाँ पे इसके साथ इनका एंगल भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि रेशो जैसे ही आप एंगल को कम या ज्यादा करोगे रेशो भी कम या ज्यादा होती रहेगी, इसलिए आपने जो रेशो ली है उसके साथ उसका एंगल मेंशन करना जरूरी है। तो इसको हम P by H को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। B by H को साइन थीटा। P by B टेंजेंट थीटा, ये सिर्फ सिंबल है इसके साथ। H by P को सीकेंट थीटा।
एच वाई बी सीकेंट थीटा, क्योंकि सब में एंगल क्या है थीटा है, और बी बाई बी कोटेंजेंट थीटा। अब इतने इतने बड़े बड़े वर्ड याद ना करने पड़े, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म रखी गई है साइन थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एस आई एन साइन थीटा। नेक्स्ट कोसाइन थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सी ओ एस कोस थीटा। आई एन इमेज में से हटा देंगे सिर्फ सिंबल के तौर पे। टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा। कोसिकेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा। सेकेंट थीटा को इसके शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। एंड लास्ट कोटेंजेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोट थीटा। ये सिंबल्स नोट कर लीजिए। और ये किस किस के लिए है सिंबल? पहले वाला किसके लिए है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सेकेंड वाला बेस बाय हाइपोटेनियस। थर्ड वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। फोर्थ हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिफ्थ हाइपोटेनियस बाय बेस। एंड सिक्स्थ बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना तो। यानी जो ये रेशो नाम, जो ये रेशो निकाली गई है, मैक्सिमम जितनी रेशो पॉसिबल हुई उनके अलग अलग नाम दिए गए थे, और उसके बाद उन नाम के शॉर्ट कर दिए गए, जैसे संदीप का सैंडी, सूर्य मोहन कुमार, सन वगैरह वगैरह, सन सैम जो भी है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये थीटा है वो साइन के साथ सिंबल के तौर पे है, यानी साइन थीटा इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये साइन और थीटा की मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ इसके सिंबल के तौर पे लिखा गया है कि हमने इसके साथ एंगल कौन सा लिया गया है। तो इसको कई बच्चे मल्टीप्लाई समझने की गलती कर लेते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए अब मेन बात है इसको हम याद कैसे रखेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे, टेबल बनाओगे, टेबल बनाइए पहले इसकी, इसमें बॉक्सेस बनाइए छह, राइट एंगल ट्रायंगल आपकी वही है जो भी है, ए बी सी, ये एंगल 90 का, ये एंगल थीटा, ये एच, ये बी, ये पी, थीटा के अकॉर्डिंग पी बाय एच, बी बाय एच एंड पी बाय बी। पी बाय एच क्या था? साइन थीटा था, यहाँ पे साइन लिखे। बी बाय एच क्या था? कोस थीटा, यहाँ पे कोस लिखे। पी बाय बी टेन थीटा, यहाँ पे टेन लिखे। अब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वाले हम नीचे लिखेंगे। एच बाय पी क्या होता है? कोसेकेंट थीटा या कोसेक थीटा। एच बाय बी सेकेंट थीटा एंड बी बाय पी कोट थीटा। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखो बच्चों, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठाके चने समोसे छोले। लाइन लिख देता हूँ, आप भूल जाओगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
चाहिए थोड़े सिलेंडर चने समोसे छोले, यानी पंडित का पी, बद्री का पी, प्रसाद का फिर से पी, हेल एच एच, भोले का पी, सोना का एस, चांदी का सी, भोले का टी, खाके ये साइलेंट, चने का सी, समोसे का एस, छोले का सी। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, खाके चने समोसे छोले। तो ऐसे याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, खाके चने समोसे छोले। तो अगर इस टाइप से याद रखेंगे तो ये टेबल आपको पूरा लर्न करवा देगी कि पी बाय एच आपका साइन होता है, एच बाय पी आपका क्या होता है कोसेकेंट, बी बाय एच कोस, एच बाय पी सेकेंट, बी बाय पी टेंजेंट एंड बी बाय पी कोट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो इतना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको अब किसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले हैं जो बनते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। नाउ 1 by sin theta, 1 upon sin theta क्या होता है पी बाय एच, इसको हम नीचे लिखेंगे P upon H, इसको पलट दीजिए, फिर पलटने के बाद क्या बन जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे, और H by P क्या होता है cosecant theta, यहाँ पे cosecant theta, हमारे पास फॉर्मूला बन गया cosecant theta is equal to 1 upon sin theta। अगर आप इनका reciprocal करते हैं यहाँ से साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, अगर साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेकेंट नीचे आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 by cosecant theta, करके देख लीजिए 1 by cosecant theta, कोसेकेंट थीटा होता है एच बाय पी, इसको पलटेंगे तो पी ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, पी बाय एच क्या होता है साइन। यानी यहां से हमने क्या सीखा, जो साइन है वो कोसेकेंट का उल्टा होता है और जो कोसेकेंट है वो साइन का उल्टा होता है। इसी टाइप से कोस का उल्टा कौन होएगा बताइए, कोस का उल्टा सेकेंट बनेगा और सेकेंट का उल्टा कोस, टेंजेंट का उल्टा कोट बनेगा और कोट का उल्टा टेंजेंट, चेक कर लीजिए 1 by cos theta, 1 upon cos theta के लिए बी बाय एच, पलटिए इसको एच ऊपर बी नीचे, और एच वाई भी होता है सेकेंड थीटा। दैट मीन्स यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारे पास सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 upon cos theta, और इसी टाइप से cos थीटा इक्वल टू 1 upon sec theta। इसी टाइप से अगर आप टेंजेंट का भी देखना चाहते हो वो भी देख लीजिए 1 by tangent theta, 1 by p/b, इसको पलट दीजिए b ऊपर चला जाएगा p नीचे, और b by p क्या होता है cot theta, that means tangent theta तो होगा 1 by cot और cot theta होगा 1 by tangent। तो इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। हालांकि ये आप जब आप ऐसे टेबल बनाएंगे टेबल के सामने दिखते ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जैसे साइन 1 by cosecant, कोसेकेंट 1 by sin, कोस थीटा 1 by secant, सेकेंट 1 by cos, और टेंजेंट 1 by cot एंड cot 1 by tangent। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज़ और कर लेते हैं, ऑल्सो
साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो चेक कीजिए क्या आएगा। साइन थीटा की वैल्यू है पी बाय एच डिवाइड बाय, कॉस थीटा की वैल्यू है बी बाय एच। पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा पी बाय एच मल्टीप्लाई में एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, एच से एच कैंसिल, कितना बचा पी बाय बी। और ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। दैट मीन्स हमारे पास टेंजेंट थीटा की एक और वैल्यू है, वो क्या है साइन थीटा बाय कोस थीटा। वो हम यहाँ पे लिखते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल मतलब अगर इसको आप पलटेंगे तो वो वैल्यू किसकी आएगी, कोट की। दैट मींस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे कोट थीटा होता है 1 बाय टेंजेंट, ये हमने अभी अभी किया है। टेंजेंट थीटा की जो हमने अभी वैल्यू निकाली वो आप रख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको पलट दीजिए तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन बाय कोस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप साइन को कोस से सीधा डिवाइड करते हो साइन बाय कोस, तो वैल्यू भी सीधी निकल के आती है आपके सामने है। साइन बाय कोस टेंजेंट, सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा आएगा और उल्टा डिवाइड करोगे तो कोस बाय साइन, उल्टा करोगे तो बिल्कुल उल्टा आएगा लास्ट तक। सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा, उल्टा डिवाइड करोगे तो उल्टा। यानी साइन बाय कोस टेंजेंट, कोस बाय साइन कोट। इज इट क्लियर। इसी टाइप से जैसे साइन बाय कोस है ऐसे ही नीचे वालों को भी डिवाइड करके देख लीजिए, कोसेकेंट अपॉन सेकेंट, कोसेकेंट थीटा अपॉन सेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है आपकी एच बाय पी और सेकेंट थीटा की वैल्यू है आपकी एच बाय बी। इसको पलटिए, एच बाय पी, बी ऊपर चला जाएगा, एच नीचे चला जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी बी बाय पी और बी बाय पी होती है कोट। यानी कोसेकेंट को सेकेंट से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा कोट। कोट थीटा की एक और वैल्यू ले लीजिए, कोट थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा अपॉन सेकेंट थीटा। अब इसी टाइप से टेंजेंट क्या होता है, 1 बाय कोट होता है। कोट की जो आपने अभी अभी वैल्यू निकाली वो लिखे 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा अपॉन सेकेंट थीटा। पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा सेकेंट थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट थीटा। तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, टेंजेंट की। यहाँ से टेंजेंट की और वैल्यू भी देखते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू सेकेंट थीटा बाय कोसेकेंट थीटा। तो जो यहाँ पे भी हम याद रखने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे ऊपर वाले में किया था, अगर सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा आएगा, उल्टा डिवाइड करोगे तो उल्टा आएगा। इसमें भी ऐसे ही है, अगर कोसेकेंट को सेकेंट से सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा आएगा, कोसेकेंट बाय सेकेंट कोट, और अगर उल्टा डिवाइड करोगे तो सेकंड बाय कोसेकंड, ये बिल्कुल उल्टा आएगा दोबारा। फिर यहाँ पे सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा, उल्टा डिवाइड करोगे तो उल्टा, कोसेकंड बाय सेकंड कोट, सेकंड बाय कोसेकंड टेंजेंट। इसी टाइप से ऊपर साइन बाय कोस टेंजेंट, कोस बाय साइन कोट। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये था चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक